हाय, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगोज के बारे में, जो कि 2.75 लाख में बेचे जाते हैं। ये मियाज़ाकी मैंगोज होते हैं, जो कि एक स्पेशल वैरायटी है। आज हम इनके बारे में पूरी बात करने वाले हैं, तो हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं। उसके पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर करना मत भूलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मैंगो जो है वो फ्रूट्स का राजा माना जाता है, किंग ऑफ द फ्रूट्स। और इंडियंस जो है, इंडियंस का सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदार जो फ्रूट होता है वो आम होता है। मध्य प्रदेश के एक कपल जिन्होंने आम को लेके एक अलग ही तरीके का अपना जो प्यार है दिखाया है, इन्होंने आम ग्रो करे और उन आमों की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 6 डॉग्स रखे, 6 कुत्ते उन्हें रखने पड़े। और आम के पेड़ों की सिक्योरिटी के लिए 2 मियाज़ाकी मैंगो ट्री उन्होंने ग्रो करे और उन 2 मैंगोज की सिक्योरिटी के लिए, 2 मैंगो ट्री की सिक्योरिटी के 6 कुत्ते रखे गए। अब ऐसा क्या खास है इन आमों में, हम आज वो जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मैंगो है ये, जो कि 2.70 लाख पर केजी के हिसाब से बेचे जाते हैं। जी हाँ, ये सबसे एक्सपेंसिव है मियाज़ाकी मैंगोज। ये रेयर होते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट जो है ये इतनी ज्यादा है। अब हम स्टोरी की बात कर लें, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे ये मैंगो इनके पास आए, रेयर स्पीशी कैसे इन्होंने ग्रो करा। तो एक कपल है, संकल्प परिहार और रानी, इन दोनों ने मिलकर मियाज़ाकी मैंगो जो है ये ग्रो करा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इन्होंने अपने गार्डन में ये 2 पेड़ लगाए। अब इनके पास में ये आम जो है, इसका वैरायटी आया कहाँ से, ये रेयर प्लांट की वैरायटी आई कहाँ से? तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि ये लोग चेन्नई जा रहे थे तो ट्रेन में इन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने इन्हें इसके सैपलिंग्स दिए, इस रेयर मैंगो के सैपलिंग्स दिए। इन्हें नहीं पता था कि ये रेयर है, उन्होंने बस घर आके क्या करा कि उसे लगा दिया, ऑर्डिनरी आम का पेड़ समझ के उन्होंने उसे लगा दिया। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि मैंगो का जो कलर है ये बिल्कुल अलग तरीके का है। जब उन्होंने उसके बारे में पता करने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि ये एक रेयर स्पीशी है, जो कि एक्चुअली में जापानीज मियाज़ाकी मैंगो है। और ये बहुत रेयर होता है और ये एक्सपेंसिव मैंगो होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो होता है। इस कपल ने इन मैंगोज का नाम भी दामिनी रखा, दामिनी जो कि संकल्प थे उनकी मदर का नाम था, तो उसी उन्हीं के नाम पे इन्होंने इस मैंगो का, जो रेयर मैंगो है जो कि रूबी रेड कलर में पाया गया, उस मैंगो का नाम उन्होंने दामिनी रखा। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या प्राइस होती है, तो जापानीज मीडिया के अकॉर्डिंग, वही जो मैंने बताया 2.70 लाख इसकी कुछ अप्रॉक्स प्राइस होती है। मियाज़ाकी मैंगोज को एग ऑफ द सन भी बोला जाता है और ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड रेयर मैंगोज होते हैं ये। अब इन मैंगोज का ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, क्या ओरिजिन है इस फ्रूट का, ये कहाँ से आया है? तो ये सबसे पहली चीज तो एक रेयर वेराइटी है जो कि जापान में ग्रो होता है। जापान से मियाज़ाकी एक सिटी है, जापान में ये सिटी है। द रेयर फ्रूट इज ओरिजिनली grown in Japan's Miyazaki city and is a type of Irwin mango which is different from the yellow pelican mango. ये एक एरविन मैंगो है जो पेलिकन मैंगो से बिल्कुल डिफरेंट था और ये सदर्न मोस्ट एशिया में ग्रो करा जाता है। इस मैंगो को ड्रैगन्स मैंगो भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका रेड कलर होता है और ओवल शेप होता है तो ये कुछ ड्रैगन के एग की तरह लगता है, इसलिए इसे ड्रैगन मैंगो भी बोला जाता है। और ये मैंगो जो है मियाज़ाकी सिटी में ग्रो करे गए थे, इसीलिए इनका नाम मियाज़ाकी मैंगो रख दिया गया। इनका जो वेट होता है ये करीब 350 ग्राम 350 ग्राम इनका वेट होता है और इनमें 15% ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैंगोज। नॉर्मल मैंगोज के कंपैरिजन में इनका जो कंटेंट है वो 15% ज़्यादा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मियाज़ाकी लोकल प्रोडक्ट एंड द ट्रेड प्रमोशन सेंटर इन जापान, दीज मैंगोज आर ग्रोन बिन द पीक हार्वेस्ट ऑफ अप्रैल एंड अगस्त, इसके बीच में अप्रैल और अगस्त के बीच में इन्हें ग्रो किया जाता है। मियाज़ाकी मैंगो जो है वो पूरे जापान में शिप करे जाते हैं और एंड देयर प्रोडक्शन वॉल्यूम इज सेकेंड इन जापान आफ्टर ओकिनावा, दूसरे नंबर पे आता है जापान जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इन मैंगोज का। ये जो मैंगोज है इनकी खास बात ये है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट है एंड कंटेन बीटा कैरोटीन एंड फॉलिक एसिड। अब इनमें ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही में इनमें बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड भी होता है, जो कि विच इज ग्रेट
for people that help with tired eyes. The trade promotion center said, trade promotion center unka kehna hai ki jo tired eyes, jo thaki hui aankhein hoti hain, thaka chehra hota hai, unke liye ye kafi acha hai, antioxidant ka kaam karta hai aur ye vision mein bhi helpful hota hai. It prevents the reducing vision, ठीक है, ये जो अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है इनामों को खाने से, उसमें भी जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा प्रिवेंशन होता है. लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो मैंगो थे ये 70s और अर्ली 80s में सबसे पहले, लेट 70s और अर्ली 80s में सबसे पहले मियाज़ाकी में ग्रो करे गए थे. सिटीज वार्म वेदर, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट एंड अबंडेंट रेन मेड इट पॉसिबल फॉर द फार्मर्स इन मियाज़ाकी टू गो फॉर मैंगो फार्मिंग. रिपोर्ट्स के हिसाब से इट इज डोमिनेंट, इट इज नाउ द डोमिनेंट प्रोड्यूस हेयर. मतलब मियाज़ाकी सिटी में यहाँ पे सबसे पहले 70s और 80s में देखा गया था इन मैंगोज को ग्रो करा गया था. सिटी का जो वार्म वेदर है, रेन जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलती है और लॉन्ग आवर्स होते हैं सनलाइट के, इस कारण से ये मैंगोज आसानी से वहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं. और इस सिटी में ये जो मैंगो है ये डोमिनेंट है. डोमिनेंट का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इस जगह पे ग्रो किया जाता है. और बाकी हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो ये कपल हैं जिन्होंने ये रेयर मैंगो ग्रो करा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी थी. इस सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अच्छे इस तरीके के डॉग्स जो है, गार्ड डॉग्स जो होते हैं वो रखे थे, जिससे कि वो अपने ट्री को प्रोटेक्ट करके रख सके. क्योंकि उन्होंने देखा था कि पिछले साल उनके कुछ जो मैंगोज थे वो चोरी हो गए थे और इतने महंगे मैंगोज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी उन्हें कितनी ज़्यादा चाहिए पड़ेगी. तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपने पूरा वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जब रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. साथ ही में आप वीडियो को लाइक करिए और आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. These are the references from where I have taken few images and few materials. So thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe the channel, share the video, like the video and also comment section mein comment karke bataiye ki aapko kaisa laga hai. You can also follow me on Instagram. All the details are given in the description box. Thank you so much for watching this video. Bye bye. See you soon in the next video.